ठीक बा हमरा संजना से बात करके देखे था कि ओकर दिल में का बा। कमाल है, नॉनसेंस। दादाजी के फोन? फोन दो। हेलो। अरे संजना के फोन कौनो लड़का के पास? हमारा अंदाजा ठीक रहे। सुना, हम संजना के दादाजी बोल रहल बानी। ओके। देखा तहरा अगर हमार पोती पसंद भी आ तो तहरा पहले हमनी के साथ आके बातचीत करे के चाहिए। What? अरे बातचीत कैला पर का होके कि एक दूसरा के परिवार के संगे जान पहचान हो जाए। ओकरा बाद हम तो के जल्दी ही अपन पोती के हाथ तहरा हाथ में दे दे। सत्यानाश। सुनला कि ना? अरे अरे इन्हें से हम बक बक कर रहल बानी और तू उन्हें कुछ बोलबा कि ना? आप चूंकि मैं आप मुझे गलत सा कहा। मैं दरअसल ये मेरा स्टाइल है। अरे मैं मियाइल बकरा जैसन कौन हूँ? स्टाइल है का? नो एक्चुअली आप अभी भी मुझे गलत समझ रहे हैं। ना हम एकदम ठीक समझ रहल बानी। बुला लेता नहीं? ठीक बा आ रहल बड़ा ना। ओके मैं आप लोगों से मिलके बात करता हूँ। आवा पिटुआ देख ले अब तोरा के। ये तू कहाँ का देलो? तू दादाजी से मिले जाएबा? हाँ अगर मेरे मिलने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो तो मुझे तुम्हारे फैमिली वालों से मिलने में कोई अतराज नहीं है। तोहरा पता होके कि चाहिए कि हमारे बाबूजी बहुत खतरनाक इंसान बाड़े। आसान काम मुझे वैसे भी पसंद नहीं है और तुम्हारे बाबूजी खतरनाक भी हैं और इंसान भी हैं। तो एक बात तुम्हें मैं बता दूं कि हर खतरनाक शख्स के अंदर एक इंसान छुपा होता है। हर इंसान के अंदर एक दिल छुपा होता है, हर दिल में एक प्यार छुपा होता है और उस प्यार से मिलने के लिए मैं तुम्हारे पापा के पास जाऊंगा। ये मेरा स्टाइल है। ए किरण मैं तुम्हारे लिए अमरीशपुरी से मिलने जाऊंगा। आई एम सॉरी संजना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दादाजी से मिलने जाऊंगा। चलो। का हो करे जा? का भइल? का नहीं खे मिलत? हम जरी तरह के ना बताई तकनो प्रॉब्लम बा का? ना बताइबा तो प्रॉब्लम हो जाई। कहे कि तोहर जवन चीज भुलाइल बा वो हमरे पास बा। अरे तो हमार रेजर हमरा के दे दा ना। जदि ना दही तो? आई हो दादा मने की तोहरे रेजर से इहो खखुरी है। लोल कहीं का। अरे रहे दा हमार रेजर हमरा के दे दा का करबू हमार रेजर रख के? इहो सही बा जदि कोनो दोसर चीज भुलाएल रहे तो हमरो काम आई। हाँ। बाकी जदि इनकर अंडर बियर भुलाएल रही तो तोहरे कोने काम आई। अरे हमार चमक छल्लो दे देना हमार रेजर। ठीक बा तो पहले दोनों आदमी आपन आपन आंख बंद करा। ठीक बा इला। हाईला अब जितना चाहे खखोर ला। हम तनी देर में आवतनी। हाँ खाना लेके ईमानदारी से खखोरी है। हमरा बहुत प्यास लागल बा। राज हमरा प्यास जरूर लागल बा। बाकी आईजा मत उतरा राज। ई हमने के दुश्मन के गांव है राज। अच्छा कुछ चाहिए का भाई साहब? यहाँ कहीं पीने का पानी मिलेगा क्या? ये तो हमनी के दुश्मन राम प्रताप की बेटी बड़ी तू गांव में उतरला कैसे? तो हर भलाई यही में बा कि जल्दी से लौट जा। तुम ये बकवास मेरे साथ क्यों कर रहे हो यार? तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि पानी यहाँ पीने का मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे यार जाओ ऐजा बा। थैंक यू राज। ये लो। थैंक यू।
यू वेलकम। कारे दीदाम प्रताप के लड़की भी हमनी के दुश्मन के बेटी, तो हिम्मत कैसे बली यहाँ लेके उतरे के, यहाँ से जिंदा ना लौट पे, समझ में आयल कारे? के मार ले तेरा पता बा, आज जदी हम ना आई थी तो हार का हास रोहित। हाँ तुम्हारा आधा गांव अभी तक विकलांग बन गया होता। ढेर बकलोली ना कर, राम प्रताप हमार दुश्मन है और उकरा गांव जाए वाला हर आदमी हमार दुश्मन है। दरअसल राम प्रताप दुश्मन तो मेरा भी है, इसीलिए तो उसकी बैंड बजाने आया हूं यार। साचू? हाँ। ए राधे, उठ उठ। अरे ये तो हमार दोस्त निकलल। दुश्मन के दुश्मन दोस्त हो खेला, हाथ मिला ले। बाय द वे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं ये हाथ सबसे नहीं मिलाता हूँ, तुम बहुत खुशनसीब हो इसलिए तुमसे मिला लेता हूँ। फिर बकलोली। खैर तू ये गांव में परदेसी बाड़ा, अगर कोनो परेशानी होखे तो हमरा से कहिया। तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि मैं परेशानी लेता नहीं हूं, देता हूं। बाय द वे ये मेरा स्टाइल है।